फर्जी दस्तावेजों के जरिए आरटीई प्रवेश कराने वाला शाहिद शरीफ पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा है, लेकिन उसकी भागने में मदद करने के मामले में पुलिस ने छोटे भाई राजा जमशेद शरीफ को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान सनसनीखेज खुलासा हुआ। राजा ने अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश के जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार किया था। राजा के मोबाइल की जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई। सदर पुलिस ने मध्य प्रदेश के वन विभाग को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों की टीम ने नागपुर आकर सबूत अपने कब्जे में लिए है। जल्द ही उसे दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। शाहिद और राजा का सरनेम भले ही शरीफ हो, लेकिन दोनों काम बदमाशी वाले करते हैं। हुक्का पार्लर वालों को धमकाने के लिए भी राजा चर्चित है। शाहिद के फरार होने के बाद भी पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी दौरान पता चला कि शाहिद के लिए रईस ग्राहक ढूंढने का काम उसका भाई राजा करता था। शाहिद को भागने में मदद भी राजा ने ही की थी, इसीलिए सदर पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया। 5 जून को पुलिस ने राजा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ पूरी होने के बाद न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। अब भी वह न्यायिक हिरासत में जेल की हवा खा रहा है। पुलिस ने राजा का मोबाइल फोन जब्त किया था। उसका फोन खंगालने पर पुलिस को 6 वीडियो दिखाई दिए। इन वीडियो में राजा अपने 4 साथियों के साथ बंदूक से शिकार करता दिखाई दे रहा है। राजा और उसके साथियों ने बारासिंगा, हिरण और नीलगाय की गोली मारकर हत्या की। शिकार मध्य प्रदेश के सिवनी बरघट के जंगलों में किया गया था। सदर के थानेदार मनीष ठाकरे ने इसकी जानकारी डीसीपी राहुल मदने को दी। मदने ने भोपाल स्थित हेडक्वार्टर से स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स यूनिट को सूचना दी और शनिवार को वन विभाग की टीम नागपुर पहुंची। वन विभाग के अधिकारियों ने सबूत अपने कब्जे में लिए। जंगली जानवरों के शिकार के साथ ही राजा और उसके साथियों ने 50 वर्ष पुराने सागवान के पेड़ भी काटे हैं। जल्द ही वन विभाग की टीम नागपुर के न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट हासिल कर राजा को गिरफ्तार करेगी। बताया जाता है कि राजा और उसके साथियों ने सिवनी के जंगल में शेर का शिकार करने का भी प्लान बनाया था। 6 घंटे तक जंगल में ही घात लगाए बैठे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। मध्य प्रदेश की ही एक नाबालिग लड़की के साथ राजा की अश्लील चैटिंग भी सामने आई है। सदर पुलिस ने 0 के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण सिवनी पुलिस को भेज दिया है। और पुलिस स्टेशन सदर के अपराध नंबर 324/24 कलम 420, 468, 471 भारतीय दंड विधान संहिता अन्वय एज्युकेशन ऑफिसर यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद झाला होता। 2 पालकांविरुद्ध तपासामध्ये 5 आरोपी अटक केले होते, त्याच्यामध्ये राजा शरीफ व जमशेद शरीफ राहणार मानकापूर या दिनांक 4/6/24 रोजी अटक करण्यात आली होती। तपासादरम्यान आम्ही त्याच्याकडून मोबाईल आणि त्याची गाडी जप्त केली होती आणि तपासादरम्यान आम्ही मोबाईलचं अनालिसिस केलं असता तर आम्हाला त्याच्यामध्ये एका लहान मुलीसोबत असलेले चॅटिंग आढळलेले आहे। त्यावरून आम्ही त्याची रिपोर्ट घेऊन सदरचा गुन्हा 00 दाखल करून संबंधित पोलीस स्टेशनला वर्ग करण्यात आलेला आहे। तसंच मोबाईलच्या ॲनालिसिसमध्ये 12/8 या जंगलातील काही शिकारीचे फोटोज आणि व्हिडिओज मिळाले, त्यावरून आमचे वरिष्ठ अधिकारी श्री राहुल मदने DCP Zone 2 यांनी फॉरेस्ट ऑफिसर यांच्याशी संपर्क करून त्याबाबतचे पुरावे त्यांना दिले। त्याबाबतचं पत्रसुद्धा दिलेलं आहे। त्याबाबतचा पुढील तपास हे फॉरेस्ट टास्क टीम शिवणी हे करत आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज, नागपूर। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप, आज ही प्रवेश ले। कमिंस ब्रांच कुठलीही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर।